हेलो एवरीवन दिस इज सविता चौहान वेलकम टू सोशल साइंस क्लासेस इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी चैप्टर सेवन लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमिक जो इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू टॉपिक वो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हम फर्स्ट टू सिक्स क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं ये आपका सेकेंड टर्म का सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर है और इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आपके आएंगे टू मार्क्स थ्री मार्क्स और फाइव मार्क्स के क्वेश्चन जो भी एग्जामिनर पूछ सकता है आप अपने उस हिसाब से लिख सकते हैं तो इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सेवन है और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पे आपको इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट और इस अदर चैप्टर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वहाँ पे अवेलेबल होंगे सेवन क्वेश्चन हमारा जो बोलता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ रोड बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ मैटेरियल मैटेरियल के बेस पर भी हम रोड को क्लासीफाई कर सकते हैं क्लासिफाई जैसे कंस्ट्रक्शन पे यानी मेटेरियल के बेस पे अगर हम देखें रोड दो तरह की होती है एक मेटल एंड नॉन मेटल मेटल रोड को स्टूडेंट आप देखेंगे तो वो सीमेंट कॉन्क्रीट और बिटूमन कॉयल और आ, से बनी होती है जो कि वो ऑल वेदर में चलती है ठीक है आ, ये जो लाइन है स्टूडेंट इस ये रिपीट हो गई है इसको आप कट कर लेना एंड ये आपको करेक्ट आंसर बताती है मेटल और अन मेटल की तो मेटल और अन मेटल मीन्स जो कि ये इन चीज़ों से बनी होती है सीमेंट से कॉन्क्रीट से और बिटुमेन ऑफ कॉल से जो कि आपने देखा होगा जो रोड्स होती हैं बजरी और ताल चारकोल होता है जो डामर होता है उससे वो बन के बनी होती हैं मिलकर बनी होती हैं अनमेल्टेड यानी जो रेनी सीजन में क्या होती हैं वॉश हो जाती हैं यानी इतना नहीं चल पाती हैं बह जाती हैं कच्ची रोड होती हैं अब है व्हाट इज द रोड रोड डेंसिटी क्या होती है डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ द रोड डेंसिटी इन इंडिया एंड लेंथ ऑफ रोड पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया इन नॉन द डेंसिटी ऑफ रोड लाइक ये वन स्क्वायर किलोमीटर है ठीक है वन स्क्वायर के अंदर जितना रोड है यहाँ पे तो जो ये रोड आप देख रहे हैं ये रोड की जो डेंसिटी कहलाती है दैट मीन्स लेंथ ऑफ रोड पर हंड्रेड स्क्वायर तो हंड्रेड स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है उसमें जितना रोड का नेटवर्क देखेंगे वो हमारा डेंसिटी ऑफ रोड कहलाता है एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ रोड इज़ नॉट यूनिफॉर्म इन कंट्री जितनी भी रोड्स आप कंट्रीज़ में देखते हैं वो इक्वल तो नहीं होती हैं हर जगह कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा देखने को मिलेगा डेंसिटी ऑफ ऑल रोड्स वरीज फ्राम ऑनली ट्वेल्व पॉइंट फोटीन्स किलोमीटर इन जम्मू एंड कश्मीर बिकॉज ऑफ एक एक पूरा एरिया है तो वहाँ पे आप हर जगह तो रोड नहीं निकाल सकते हो डैट मीन्स एक पूरे एरिया में जितना रोड होता है वो हमारा डेंसिटी होता है कि यहाँ पे रह, आ, हमने रोड बनाया है तो दैट मीन जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में इतने किलोमीटर में है एंड कश्मीर एंड केरला में आप देखेंगे फाइव पॉइंट सेवेंटी पॉइंट सेवेंटी सेवन किलोमीटर और ये जो आपको डाटा है ये मार्च थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड का है शायद अभी डाटा चेंज भी हो गया हो एंड द नेशनल एवरेज जो अगर हम देखें बताया हुआ है वन टू पॉइंट सिक्सटी एट किलोमीटर का है तो जो ये रोड की डेंसिटी बताई गई है कि पर्टिकुलर किसी एरिया के अंदर लाइक हंड्रेड किलोमीटर्स जो है स्क्वायर किलोमीटर के अंदर जितनी रोड आप देख रहे हैं वो डेंसिटी कहलाती है एंड डिस्क्राइब द प्रॉब्लम ऑफ रोडवेज़ क्या होती है एंड uh, जो प्रॉब्लम्स आजकल रोडवेज फेस कर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक पैसेंजर एंड रोड नेटवर्क इज़ अनएकेट जिसकी वजह से वो हमारे लिए काफ़ी नहीं है इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है कि पैसेंजर भी इतने ज़्यादा यूज़ करते हैं जो रोड ट्रांसपोर्ट है जिसकी वजह से हम लोग आप देख सकते हैं कितना ट्रैफ़िक जाम होता है और टाइम कंज्यूमिंग होता है और मै जो रोड्स होती हैं हाफ ऑफ द रोड तो अन होती हैं लिमिटेड देयर यूज़ेस ड्यूरिंग द रेनी सीजन में तो उनका हालात बिल्कुल ख़राब ही हो जाते हैं एंड नेशनल हाईवे आर इन एडुकेट टू और नेशनल हाईवे का भी यही हाल है वो भी हमारे लिए काफ़ी नहीं है एंड मोरेवर रोड ज़ आर हाईली कंजस्टिड इन सिटीज़ एंड मोस्ट ऑफ़ द ब्रिजज़ एंड कलवर्ट कलवर्ट आर ओल्ड एंड नैरो यानी जो पुराने बने हुए और नैरो हैं बहुत ज़्यादा ब्रिजिज हैं वहाँ से जो रोड्स निकल रही हैं वो भी बहुत ज़्यादा कंजस्टड हैं तो हाईली रोडवेज जो हैं बहुत ज़्यादा कंजस्ट होती हैं मोस्ट ऑफ द ब्रिज और कलवर्ट्स जो कि पुराने तरीके से बने हुए और नैरो हैं ठीक है तो ये प्रॉब्लम्स हैं जो रोडवेज क्या कर रहा है फेस कर रहा है नेक्स्ट है रेलवे आर प्रिंसिपल्स मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्ट्स एंड क्या एडवांटेज हैं दैट मीन्स जो हम यूज़ कर रहे हैं रेलवेज उसके हमें क्या बताने हैं प्रॉफिट बताने हैं रेलवेज जो है मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्टेशन फॉर फ्लाइट एंड पैसेंजर दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट है सामान और पैसेंजर दोनों ही एक जगह से दूसरी जगह शॉर्ट टाइम पे और इकोनॉमिकली उनकी पॉकेट में वो भी अफोर्ड कर सकते हैं ट्रांसपोर्ट कौन सा रेलवे और जैसे कि जॉब्स में बहुत सारे पैसेंजर एक साथ जाते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस तो वो रेलवे ही यूज़ करते हैं क्योंकि उनको ट्रैफिक जाम नहीं मिलता और वो शॉर्ट जगह पे शॉर्ट टाइम पे इजीली पहुंच जाते हैं क्योंकि अगर रोडवेज से जाएंगे तो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस अगर आपको कवर करना है तो वहाँ तक तो रोडवेज नहीं जाएगी और बीच बीच में ट्रैफिक जाम भी मिलेगा Uh, जैसे कि कुछ लोग जो अब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में करते हैं तो वो रेलवे यूज़ करते हैं और सामान भी हमें एक स्टेट से दूसरे स्टेट भेजना है तो हम क्या करेंगे रेलवे यूज़ करेंगे रेलवे ऑल्सो मेक इट पॉसिबल टू कंडक्ट मल्टीफेरियस एक्टिविटीज़ बिजनेस साइट सींग जैसे घूमने जाना है आपको बिजनेस करना है या किसी तीर्थ यात्रा पे जाना है तो आप ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे लॉन्गर डिस्टेंस के लिए रेलवे आप इतनी कहीं दूर यात्रा पे जाना है एक स्टेट से दूसरे स्टेट की जगह चाहे ट्रेड करने जा रहे हो चाहे घूमने जा रहे हो या फिर किसी तीर्थ यात्रा पे जा रहे हो तो दैट मीन्स वो लॉन्गर डिस्टेंस में आप कन्वीनियंट रेलवे पे ही होते हो तो वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए फेवरेबल होता है अपार्ट फ्रॉम एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड इंडियन रेलवेज हैव बीन अ ग्रेट इंटीग्रेटिंग फोर्स फॉर मोर देन 50 ईयर्स यानी 150 फिफ्टी ईयर्स से आज अगर हम देखें पूरा बैक एंशियन टाइम देखें तो रेलवेज जो ट्रांसपोर्ट है अपने आप में ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इंटीग्रेटिंग करने में यानी जोड़ के रखने में दूसरे नेटवर्क के साथ या फिर स्टेट टू स्टेट या कंट्री टू कंट्री में जो हम जॉइन होते हैं एंड रेलवे इन इंडिया बाइंड द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ कंट्री एज वेल एज एसिलेट द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर क्योंकि स्टूडेंट जो रॉ मटेरियल होता है जहां पे वो बनता है और जहाँ प्रोडक्शन होता है प्रोसेसिंग यूनिट से वो एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनता है तो वहां पहुंचाने के लिए लिंक यानी ट्रांसपोर्ट ही चाहिए होता है और एक बल्क में जब आप सामान लेके जाते हैं लोड करके तो ज़्यादा क्वांटिटी में सामान जाएगा वो रेलवे से ही जाएगा क्योंकि अगर आप ट्रक से लेके जाओगे तो टाइम कंज्यूम होगा हो सकता है डिले हो जाए लॉसेस हो जाए ट्रैफिक जाम मिल जाए और अनलोड करने में लोड करने में बहुत सामान जो होता है वो ख़राब हो जाता है लेकिन जो एग्रीकल्चर से, से रॉ मेटेरियल लेकर इंडस्ट्री तक पहुँचाना है बल्क में तो रेलवे ही कन्वीनियंट होता है और उससे बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट भी हो रहा है तो ये एक रेलवे ट्रांसपोर्ट के हमने क्या देखे इम्पोर्टेंट्स देखी हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे थैंक यू थैंक यू सो मच कीप वॉचिंग कीप लर्निंग